आज को छोड़ करके महीने दो महीने पहले देखा था 2000 का नोट। व्यापारी तो हरदम है तुम्हारा, सबसे ज्यादा टैक्स व्यापारी थे। व्यापारी मरता हर जगह। इन लोगों को सबको नेताओं को गोली मार देनी चाहिए। हम तो कहते हैं बस पांच जगह भी और बंद कर दो, जिससे चुनाव के लिए जो लोगों ने काला धन जमा कर रखा था ना, वो सब चुनाव में अब इसका इस्तेमाल ही नहीं होगा। जो जितने भी आप नंबर दो के काम होते हैं उन सब लोगों पर प्रभाव पड़ेगा इसका। कि जो आदेश करते रहे हम बैंकों में लगते रहे, हम इनके नौकर है ना। तो आखिरी बार कब देखा था? आखिरी बार तो आज ही देखा, बहुत दिनों बाद एक नोट आ गया है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका KIA में। दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं, हम इस समय फिरोजाबाद के सबसे बड़े मार्केट जिसके लिए फिरोजाबाद जाना जाता है, नाम है बोहरान गली। गली बोहरान में फिरोजाबाद से चूड़ियां देश विदेश तक जाती हैं और यहाँ जो व्यापारी है जिसकी वजह से फिरोजाबाद है, वो उससे जुड़े तमाम व्यापारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आज हम व्यापारियों की बात नहीं करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं कल RBI की तरफ से आई गाइडलाइन के बारे में। गुलाबी नोट अब देखने को नहीं मिलेगा, तो गुलाबी नोट के न होने से व्यापारी वर्ग पर क्या फर्क पड़ता है, हम इसके बारे में जानेंगे, कुछ लोगों से हम बात करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा उमेश चंद गुप्ता नाम है। उमेश जी, कल से गुलाबी नोट गायब हो गया है। हाँ, तो क्या लगता है कि गुलाबी नोट से क्या फर्क पड़ेगा, व्यापार पर फर्क पड़ेगा या अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ेगा, क्या पड़ेगा? व्यापार पर फर्क पड़ेगा, जो लोग अपने ये में पैसे लेके आते हैं उनके लिए पैसे ज्यादा रखने पड़ेंगे। 100-100 के 50-50 के नोट गड्डियाँ काफी हो जाती है, 2000 के नोट गायब होने से व्यापार पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो जो ये RBI का फैसला है वो ठीक है या नहीं? कहीं तक ठीक है, उन्होंने लगाम लगाने की कोशिश की है ब्लैक मनी पे, पर व्यापारियों के लिए दिक्कत की बात भी है ये। चलिए, व्यापारियों के लिए दिक्कत की बात है, आपको क्या लगता है? जी सर, डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, इस बार 2000 के नोट बंद हो गए हैं, अब गुलाबी नोट मार्केट में नहीं दिखेगा, तो क्या लगता है आपको इससे कुछ फर्क पड़ेगा मार्केट के ऊपर? मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, हाँ जी, अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है, हाँ। क्या क्या लाभ मिलेगा इससे? इससे है ना, जो 2 लाख के जो 2-2 हजार के नोट है वो है ना मार्केट में आएंगे, मार्केट में रनिंग पैसे की बढ़ेगी। हो रहा है यहाँ कुछ लोग हैं। जी सर, गुलाबी नोट चला गया, बिदा ले गया? नहीं, कहाँ ले गया? बिदा नहीं ले गया, 30 तारीख के बाद, 30 सितंबर के बाद लेगा। अच्छा, हाँ, अभी चयन में तो है। चलिए, तो उसकी विदाई के लिए क्या इंतजाम किए? कुछ नहीं, जिस पे होगा वो परेशान होगा, जिस पे नहीं होगा क्या परेशान होगा। हमारे पास तो एक आदेश चला जाएगा। मिडिल क्लास के पास कहाँ है, वैसे भी नोट नहीं है 2000 का। जी तो आखिरी बार कब देखा था? आखिरी बार तो आज ही देखा, बहुत दिनों बाद एक नोट आ गया है। अच्छा, वो कल बंद हो गया इसलिए? हाँ, वो इसलिए आ रहे हैं, कल के अब आ रहे हैं। आज देखा तो अब बाजार में आएंगे नोट? आएंगे, तो आएंगे बाजार में, मेले भी जाएंगे। तो इससे क्या व्यापार पे आपका फर्क पड़ेगा? पड़ेगा, लगेगा। जो लोगों को दहशत है वो तो निकाल निकाल के लाएंगे ही, तो उससे व्यापार बढ़ेगा। व्यापार बढ़ेगा, किसी पे होंगे चार, होंगे चार देगा, किसी को और किसी को देगा, अब व्यापारी को निकाल निकाल के देंगे तो फर्क तो पड़ेगा व्यापार पे। उधारी पड़ जाएगी, उधारी पड़ेगी ना पड़ेगी, तो जी जो नहीं देगा तो नहीं देगा, उधारी तो मतलब नहीं है, जो काम चलाना है देगा। उधारी ये है इसलिए नहीं है कि यहाँ ग्राहक है नहीं, बाजार में ग्राहक है सारा, ऑनलाइन फोन से काम हो रहा है तो फोन से ही अकाउंट में लगा दिया, उसी से पैसा आ रहा है तो वो बैंक में लगाएगा उसी से, तो हमारे पास तो अब कितने का बैंक देगी वो तो बैंक में। सही बात है, सही बात है। बैंक में जमा कितने भी कर दो, बैंक में इस पे है 10 नोट है 20 नोट है, जमा कर आओ बैंक से अपना पेमेंट ले आओ। 10 नोट तक कह रहे हैं, 10 भी कर आओ, कितने भी कर आओ, करंट अकाउंट है तो उसमें कितने भी कर आओ, 15 भी कर आओ, 20 भी कर आओ, और किसी पे इतने नोट कहाँ से आएंगे? 2-4 आएंगे, 5 आएंगे, 10 आएंगे, 10,000 के 20,000 हो गए। नोट तो बहुत आएंगे, 181 करोड़ नोट हैं जो वापस, तो 181 नोट आएंगे तो वो तो पैसे वालों पे आएंगे ना, तो छोटे दुकानदार पे क्या आएंगे, जिसकी 10,000 की बिक्री उस पे क्या आएंगे, और जिस पे होंगे 1,00,000 की बिक्री होगी उस पे आएंगे। और सुबह से एक नोट आया है, अब एक नोट आया दे दिया पेमेंट में। अच्छा, हाँ, उधर दे दिया। हाँ, बस एक नोट हमारे पास आया, ऐसे एक एक करके निकल एक एक करके निकल के आएंगे। चलिए, आइए आइए। नमस्कार अंकल जी, क्या हाल है? मैं ये पूछने आया हूँ आपसे,
के जिद्दू हजी हाँ दो हजार का नोट जो अब चलन में नहीं रहेगा तो उससे व्यापार बढ़ेगा या घटेगा, क्या फर्क पड़ेगा? 2000 के नोट के व्यापार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अब और अब इंटरनेट का जमाना है, अब ऑनलाइन पेमेंट बहुत होने लगी है। लेकिन ये 2000 का नोट जो चलन में, सही बात पूछो तो छोटे छोटे दुकानदारों पर आता ही नहीं था जी। ये एक वास्तविकता तो ये है कि जैसे आपका जो आ रहा है कि जितना उसका मुद्रा छपी थी, बहुत सारी मुद्रा चलन में ही नहीं है, तो निश्चित तौर पर ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो गई है। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये मोदी जी का बहुत अच्छा कार्य है। अच्छा, तो इससे इससे कुछ फर्क पड़ेगा आपको लग रहा है? वैसे ये काम मोदी जी ने तो नहीं किया, मोदी जी ने तो डिमोनेटाइजेशन किया। मेरा मतलब ये देखिए, ये आरबीआई ने किया। मेरा मतलब देखिए, एक्चुअल में वही वाली बात, घर का कोई मुखिया कोई काम करेगा तो नाम तो मुखिया का ही होगा, सरकार तो निश्चित तौर पर बीजेपी की है। रियलिटी ये है कि उनका जो कार्य करने की नीति है, निश्चित तौर पर ये एक भ्रष्टाचार पर बहुत करारी चोट है, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, इससे भ्रष्टाचार रुकेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं। ये सारे पॉइंट है, आप देखिए पिछले 70 साल से जो देश की व्यवस्थाएं थी किस तरह से चरमरा रही थी, पाकिस्तान किस तरह से हावी था, जो इससे पहले जो रोका था उन्होंने, उसकी वजह से पाकिस्तान आज कहाँ पहुँच गया, सोचिए। ये सारी उसकी परिणति, उसी का ही तो परिणति है अगर देखें आप गौर करें। रियलिटी। अच्छा, नोट जो बने थे 2000 के नोट बने थे तो उसमें भी पैसा खूब खर्च किया गया था, 21,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ था नोट बनाने में। देखिए साहब, सरकार चलेगी, ये सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप इसकी जो आंकड़ा बता रहे 21,000 करोड़ रुपए, अगर मुद्रा छपेगी नहीं, अगर 2000 का नहीं छपेगी तो 100 का तो छपेगा, 500 का छपेगा, उस पर खर्चा होगा। ये तो खर्चे हैं, ये तो मीट आउट होंगे सारे, इसको आप कैसे मैनेज करेंगे? तो अब इतना सारा पैसा जो बर्बाद होगा, क्यों बर्बाद होगा, इसको आप कैसे सोच रहे हैं कि बर्बाद होगा? वैसे भी रिजर्व बैंक के ये कानून है कि हर 5 साल बाद 7 साल बाद मुद्रा को चलन से बाहर निकालने का सिस्टम है, ये हमारे उसमें नियम में है जी। जिन नियमों को एक आम जनता नहीं जानती, मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है कि ये होता है ऐसा। चलिए, तो फिरोजाबाद के व्यापारियों के लिए लाभदायक है? निश्चित तौर पर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है इससे। और क्योंकि भारत की बात करें, भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका फर्क पड़ेगा? ना ही भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क पड़ना, हाँ निश्चित तौर पर जो काले धन का जो जिन लोगों के जो हवाला के काम होते हैं, जो जितने भी आप नंबर दो के काम होते हैं, उन सब लोगों पर प्रभाव पड़ेगा इसका। क्या लगता है, व्यापार बढ़ेगा? व्यापार तो वैसे भी नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, व्यापार नहीं, व्यापार होता तो आप मार्केट देखिए बिल्कुल जीरो है। कुछ नहीं आता कहना, ठीक है, बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। पेमेंट निकल के आती है, अच्छा हाँ, उधारी निकल जाती है, बिल्कुल उधारी निकल के आती है, बंद होना चाहिए। 2000 का बिल्कुल बंद होना चाहिए। 500 का नोट सबसे बड़ा हो जाएगा, किंग हो जाएगा। गुलाबी चलाया और कोई कलर आएगा, आएगा जरूर 2000 का देख लेना। अच्छा, आरबीआई ने भी दिया हुआ है, ऐसे भी बंद होना चाहिए। जो काला बाजारी होती है वो खत्म हो जानी चाहिए, बहुत इकट्ठे कर करके रखे इन लोगों ने, लोगों ने, महिलाओं ने नहीं, जेंट्सों ने बहुत रखे हैं, बहुत रखे हैं नोट। पिछली बार डिमोनेटाइजेशन हुआ तो महिलाओं ने निकाल के दिए थे। अरे नहीं, जेंट्सों के पास भी बहुत है नोट इकट्ठे रखे हैं। 2000 के नोट हैं? कोई नोट नहीं है, नहीं है, कोई नोट नहीं है। अच्छा, तो आएगा तो लोगे? नहीं लेंगे। अरे काई नहीं लोगे यार, अभी तो 4 महीने पड़े हैं, 4 महीने पड़ो, कहां जाएंगे लेके, वो ले लेंगे, ले तो क्या है। फिर व्यापार पे फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा, थोड़ा पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा ये तो पता चलेगी। मैंने अभी एक को दिया था, उसने लेने से मना कर दिया। अरे दो तो मेरे पास चार थे, दो तो चला दिए, एक रह गया अभी। अच्छा, रह गया है, दर्शन करा दो जरा इधर यार, ये 2000 का नोट है, देख लो ये विलुप्त प्राय है, अभी थोड़े दिनों में विलुप्त हो जाएगा। कुछ नहीं विलुप्त हो रहा है यार, सब चलता है। ये भी लेके आया मैं, अच्छा मैं अभी लेके आया हूँ, 2000
तो जिस आप कहाँ चला जाएगा? बैंक में चले जाएगा। ये सर 2000 का नोट क्या लगता है? 2000 का नोट जाएगा व्यापार पे फर्क पड़ेगा? व्यापार फर्क, ये इतने बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, जो जो इतने बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, ये क्या व्यापार की हित की सोच रहे हैं? किसकी हित की सोच? जो जो बुद्धि, ये सिर्फ जनता को, आम पब्लिक को मारने के लिए। चार दिन बाद नोट चला देते, चार दिन बंद कर देते, पब्लिक के इसी के लिए कि फालतू के बैंक में जाकर लाइन में लगती रहे। तो चार महीने का समय दिया आपकी बात? अरे चार महीने का दिया, सात साल में कौन आदमी एक ही काम रह गया है कि जो आदेश करते रहे हम बैंकों में लगते रहे? हम इनके नौकर है ना, कभी दिन रात बैंकों में लगे थे, आपने देखा था नोटबंदी पे जी। ऑटो की डिलीवरी हो गई थी, मालूम है आपको जी। से पब्लिक इसीलिए है। तो क्या होना चाहिए था इन लोगों को? सबको नेताओं को गोली मार देनी चाहिए, जो इस तरह के खान सब सबको एक तरफ से खड़े करके सबको। अच्छा, फिर उससे क्या लाभ होगा? उससे क्या लाभ होगा? मिलिट्री शासन हो जाएगा। अच्छा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, मिलिट्री शासन। पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं, छह साल में फिर बैंक में लगा दिया, बाप इनके बाप के नौकर है ना। तो वो तो आरबीआई ने किया है। अरे आरबीआई ने किया, आरबीआई किसके अंडर में? कभी मतलब जो है आरबीआई प्रमुख को आप रात रात उठा देते हैं, ये कौन उठाता है? ये आप उठाते हैं, ये हम उठाते हैं, कौन उठाता बताओ आप मुझे? कौन उठाता भैया? नेता, 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 नेता क्यों? हमारे जो देश के जो बुद्धिजीवी भरे बड़े बैठे, सरकार जो सरकार चला रही, गवर्नमेंट चला रही है। अच्छा, रात रात उठा देते हैं। आपको क्या लगता है क्या फर्क पड़ेगा? दरअसल ये सही नहीं हो रहा है। सबसे अहम चीज है कारोबार, कारोबार जो है नहीं चल पा रहे हैं। अच्छा, हम तो ये कह रहे 2000 नोट बंद है, कितने हमें दिया सारे, जितने हम ले लेंगे। अच्छा, हम तो हर गवर्नमेंट के जो फॉलो करते हैं ना, सबके विपरीत हैं। अच्छा, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या जी, हम कुछ भी करें। अच्छा, हमारे पास चलाने के बहुत ऑप्शन है। अच्छा, जितने हो हमें ले जाओ, कोई जितने हो 2000 में ले जाओ ना। ठीक है, आप कह रहे थे चल नहीं पाएगा, जितने होते ले जाओ। हां, कोई ले नहीं रहा, इनको दे देना, ये ले लेंगे। और मैं भी ले जाओ। आपको क्या लगता है? जो तो कह रहे हैं बाल भाई साहब 2000 के नोट बंद है, अरे ले जो रहे आप जी। अभी चार महीने का समय, चार महीने का समय, चार महीने समय आराम से बंद है। चार महीने का समय है, बाजार में 2000 का नोट दिखाई नहीं दे रहे। 23 तारीख से लेकर के आप 30 सितंबर तक जमा, देखो 2000 का नोट बाजार में दिखाई नहीं दे रहे आज। अब एक आध दो निकल के निकल के आ रहे हैं। कब से नहीं देखा आपने? मेरे पास तो एक दो है अभी, आज को छोड़ के करीब एक महीने। कोई व्यापार में भी कोई 2000 का नोट नहीं देता है, कोई नहीं देता 2000 का नोट, 500 का देता है। 2000 का नोट तो मेरा, कोई नहीं देता 2000 का नोट। आज से आना शुरू हो गए, आज से आना शुरू हो गए, आज से आना शुरू हो गए। भैया 2000 का नोट चलन से बाहर हो गया, व्यापार पे फर्क पड़ेगा? कोई खास नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बैंकों ने वापस लेना शुरू कर दिया था, शुरू और इशू नहीं कर रहे थे नए नोट, तो बाजार में वैसे भी चलन में नहीं, बहुत कम है नोट। तो जो नोट दबे होंगे वो तो निकल के आएंगे ना बाहर। हाँ, ये तो अच्छी बात है ना। तो इससे बढ़ेगा व्यापार, घटेगा? नहीं, व्यापार पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं पड़ेगा। चलिए, व्यापार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या लगता है 2000 के नोट चलन से बाहर होने पर व्यापार पे फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। व्यापार पे नौजवान साथी भैया। अच्छा, ये बताइए, ये जो 2000 का नोट है जो विदा ले रहा है हमसे, ये करेंगे साहब बात क्यों करेंगे? अच्छा, इनके पास नोट है इसलिए, अच्छा इनके पास नोट है इसलिए ये बात करेंगे। सर गुलाबी नोट है? अभी तो नहीं है फिलहाल, सब हरे ही हरे हैं। अच्छा, हरे ही हरे हैं, तो गुलाबी नोट जा रहा है क्या लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आंसू नहीं बहेंगे बधाई पे? है ही नहीं जेब में। अच्छा, हरा ही हरा है पहले से। अच्छा, सब हरा हरा दिख रहा है, ये तो होना ही था। अच्छा, बंद तो होना ही था नोट। तो सही किया कि गलत किया? बहुत सही किया सरकार। अच्छा, क्या फायदा मिला? आगे चुनाव के लिए जो लोगों ने काला धन जमा कर रखा था ना, वो सब चुनाव में अब इसका इस्तेमाल ही नहीं होगा। अच्छा, ये बात सरकार का निर्णय बहुत अच्छा है, चुनाव में नहीं, जो देश विरोधी ताकतें हैं इस पैसे का इस्तेमाल करती है, अब वो चुनाव में इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे गुलाबी नोट का। ये बात, सरकार का कदम बहुत अच्छा है और इसका असर 2024 के चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा।
अच्छा क्या 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 फर्क मिलेगा? देश विरोधी ताकतें चुनाव में पैसा ही नहीं खर्च कर पाएंगे तो कौन जीतेगा? नॉर्मल तरीके से चुनाव होगा, जो जनता जिसे चाहेगी उसे जिताएगी। 2000 का नोट चलन से बाहर हो गया, फिरोजाबाद में व्यापार पे फर्क पड़ेगा इसका? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फिरोजाबाद में तो इतना कोई व्यापार ही नहीं चल रहा है, फिरोजाबाद में फर्क पड़ेगा। पीछे लोग कह रहे थे बहुत बढ़िया व्यापार चल रहा है, तेजी चल रही है। अब वो पिछले वालों की चल रही होगी, उधर से ग्राहक आ रहा होगा, इधर से तो कोई व्यापारी नहीं आ रहा है। आपको क्या लग रहा है? नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब पहले इतना बड़ा नोटबंदी हो गई थी, जब कोई फर्क नहीं पड़ा था, तो अब तो जरा सा है। अब तो शायद व्यापारियों पे 2000 का नोट तो निकलेगा भी नहीं। अच्छा। अगर निकल आई 2-4 नोट तो उसकी कोई बुनी होती है, वो बैंक देखे नहीं कर लेंगे। हम तो कहते हैं बस 5 जगह भी और बंद कर दो, जिससे नकली और असली का फिर दोबारा से चक्कर हो जाए, क्योंकि व्यापारी इस समय भुखमरी का शिकार है, उसे करना क्या है, मेरा बंद हो जाए, पैसे ही नहीं है, स्टाफ को तनख्वाह बांटने तक के लिए तो पेमेंट नहीं है, बंद कर दो, सबसे अच्छा है। और क्या फिर क्या होगा? जैसे पहले हुआ था तो क्या हुआ था, हम लोग अपना खाना नहीं खाया था क्या अपन ने? तो फिर खाएंगे। तो फैसला सही नहीं, बहुत नहीं, बहुत बढ़िया फैसला किया है, बहुत अच्छा। थोड़ी चोर है ना, व्यापारी नकली कर रहे हैं, नेता और वो कर रहे हैं, जो अधिकारी है जो उनके पास हो रहे हैं, कोई व्यापारियों के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है? व्यापारी तो जैसे अभी खा रहे हैं, बाद में खाएगा नोटबंदी में। देश की अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो इकोनॉमी बढ़ेगी हमारे देश की, क्या इसे पड़ेगा बताइए? कैसे बढ़ेगा? नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इकोनॉमी तो बढ़ेगी। जब जो पैसा जो अधिकारियों के पास है या नेताओं के पास है वो बैंड हो जाएगा, कहाँ से बंद देंगे? उससे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी बढ़ेगी इकोनॉमी बढ़ेगी। हाँ भैया क्या लग रहा है आपको, क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं फर्क उन पे पड़ेगा जो ब्लैक मनी दबा के बैठे, बढ़ेगा ना व्यापार, बढ़ेगा बिल्कुल। जब पैसा बाहर आएगा, चलन में आएगा तो व्यापार बढ़ेगा। तो 4 महीने में तो बंद हो जाएगा फिर, कोई दिक्कत नहीं। 4 महीने का समय जिनकी ब्लैक मनी है वो सफेद कर लेंगे, सफेद कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। और हमारे पास पैसा नहीं है, व्यापारी तो हर दफे हमारा सबसे ज्यादा टैक्स व्यापारी दे, व्यापारी मरता हर जगह व्यापारी। ये तो बढ़िया फैसला है, बढ़िया फैसला है जी, स्वागत करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आंसू नहीं आएंगे, 2000 का नोट विदा ले रहा है, बिल्कुल नहीं आएंगे। अच्छा मोदी जी देखो फिर कुछ नया लाएंगे, कुछ और नया निकाल लेंगे। अच्छा उनके भी जी भैया बताएं, ये बताइए ये जो 2000 का नोट जो विदा ले रहा है आपसे जी, हाँ तो उसकी विदाई में क्या करना चाहेंगे? व्यापारी वर्ग को तो उसमें कोई ना तो नुकसान है ना कोई फायदा है, संजय इसमें नुकसान है बड़े अधिकारियों का और जो नेता नगरी है संजय, जो हराम के पैसे खा रहे हैं नेता लोग, बस उनका नुकसान है इसमें। व्यापारी वर्ग का, व्यापारी के पास क्या या 2000 के नोट होंगे आप ही बताओ संजय, व्यापारी कितना बेचारा क्या। और इस समय तो व्यापार बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया इस समय तो संजय, किसी प्रकार का तो 2000 के नोट से कोई व्यापार में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अच्छा जी आप बता रहे केवल, हाँ फर्क पड़ेगा बड़े बड़े अधिकारियों को जिनकी तिजोरी में रखा हुआ है पैसा, बड़े बड़े नेताओं को जो इनकी तिजोरियों में ये रखा हुआ था, अब वो सब बाहर निकल के आएगा, ऑटोमेटिकली बैंक में जमा होगा, आगे की प्रक्रिया अधिक अच्छी से अर्थव्यवस्था बढ़िया होगी, बस प्रक्रिया चालू हो जाएगी, चलन में पैसा चालू होगा। सही किया गया, बिल्कुल सही किया, सही निर्णय, बिल्कुल सही निर्णय। पीछे कह रहे थे कि 500 का भी बंद करवा दो, 500 बंद हो जाए ये भी बढ़िया बात है। हाँ 200 का और 100 का है तो सही है, 500 में और अधिक चोर सामने आएंगे फिर। हाँ। भाई अभी कब चोर सामने आएंगे, 500 का बंद होगा तो बहुत ज्यादा चोर सामने आएंगे। 7 साल पहले हुई तो थी संजय, कितना अच्छा अच्छा लगा संजय, क्या आप खड़े हुए थे लाइन में, कोई नहीं खड़ा हुआ था, बस जो वास्तविक गरीब तबके का था उसको परेशानी हुई, बड़े आदमी को किसी कोई अधिकारी वर्ग कोई उद्योगपति कोई बड़ा आदमी कोई नेता किसी को लाइन में लगा हुआ देखा आपने? हाँ, बता नहीं देखा, नहीं देखा तो बस उनके पास नोट थे ही नहीं, उनके पास नोट इतने थे कि सबका हो गया भाई साहब। हाँ जी अंकल जी, हाँ जी सर, पान खाने का शौक रखते हैं? अब बिल्कुल पान नहीं खाते हैं भैया। कौन सा पान खाते हैं? वही लखनलाल का खाते हैं। लखनलाल का? अरे बड़ा बढ़िया पान बनाते हो तो। तो साहब ये बताइए, ये जो 2000 का नोट चलन से बाहर हुआ है जी सर, तो इसका व्यापारी पे क्या फर्क पड़ेगा? अभी तो फिर वैसे कोई बलन चलन से बारी तो हुआ है, बंद तो नहीं हुआ, बंद तो मैसेज भी नहीं हुआ,
तो कोई ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, व्यापारी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो क्यों बंद किया गया फिर, क्या क्या लाभ क्या नुकसान? जितने बड़े बड़े पूंजीपति उनकी उनने जमाखोरी कर रखी है उसको बाहर निकालेगा मोदी और क्या करेगा। तो ये अच्छा किया खराब? नहीं अच्छा ही हुआ है, अच्छा अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए बहुत अच्छा हुआ। हाँ जी सर, आपको क्या लगता है ये जो नोट नोट जो चलन से बाहर हो गए तो लाभ हुआ या नुकसान हुआ? देखिए नुकसान तो उसमें हुआ है, जैसे कोई बड़ा बूढ़ा घर में है उनके पास कुछ पैसे रखे हुए हैं तो वो लपेटे में आ जाते हैं। अब बच्चों ने पूछा भाई कुछ पैसे पड़े हैं क्या, हमारे पास तो है नहीं। और जब बंद हो जाते तो बेचारे वो कहते हैं हमारे पास जो पड़े हैं भाई, तो वो डांट और खाते हैं, उनकी सब हिसाब कदम बिगड़ जाता है। वैसे ठीक है, मैं कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास तो जो पहले से ही अंदेशा था ये नोट बंद होना है, केवल समस्या है बड़े बूढ़ों वाली बात, और जी बिल्कुल राइट बात। ये नुकसान में कब से नोट कम देखे गए? नोट तो देख रहे हैं हम सालों से कम। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस चीज में, केवल फर्क वाला ये है कि ये चीज को थोड़ा सोचना चाहिए, जैसे कि वो पूंजी इकट्ठी रखते हैं करके भाई कुछ पड़ा रहेगा हमारे पास, तो वो पड़े हुए हैं और उन्होंने कहा भाई कुछ पैसे हैं बच्चों ने मांगे, हमारे पास कुछ नहीं है, अब जो हो गए बंद, क्या बेटा जी हमारे पास पड़े हैं वो गाड़ी और खाते हैं और पैसे पैसे जाते हैं। चलिए चलिए, तो ये चीज है। क्या लगता है जनाब आपको, ये फर्क पड़ेगा क्या 2000 का नोट जो अब चलन से बाहर हो गया? भाई हमारे पास तो 2000 का नोट ही नहीं है भाई, तो हम क्या करेंगे भाई, जिसमें होगा वो जाना है, उसको हेडेक रहेगा कि हमारे 2000 रुपये आए, लाख रुपए हमारा क्या होगा। तो देने आएंगे ना लोग? हाँ तो बिल्कुल देने आएंगे, जब बंद होगा तो भैया बंद करना, क्यों नहीं देने आएंगे भाई। तो लेंगे फिर आप? हम तो लेंगे, कह रहे हैं ना। नहीं नहीं हम तो नहीं लेंगे भाई, जो बंद हो रहा है तो क्यों लेंगे, सुबह में लाइन में लगे बैंक में। नहीं तो 4 महीने का समय है लाइन तो, अरे तो भैया लाइन में तो हमें लगना पड़ेगा ना, तो हमको लग लेंगे हम तो भैया 500 का लेंगे, 100 का लेंगे, 2000 का नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे सब देंगे। हाँ अभी तो लीगल टेंडर है और 30 सितंबर तक तो लीगल टेंडर है ही है, तो उसको जब लास्ट में देखेंगे बैंक में जमा कर देंगे, हमने तो आज भी लिया है और पेमेंट में देंगे भी अभी तो। आज नोट आए आपके पास? बिल्कुल आए हैं मेरे पास नोट आए हैं, 2000 के कुछ नोट आए हैं जो मैंने लिए हैं, ये आपके देखिए सर, मैंने लिए भी हैं और मैं इनको पेमेंट में भी दूंगा, क्योंकि अभी 30 सितंबर तक की तारीख है। आज को छोड़ करके कितने दिन पहले नोट आए थे 2000 के? आज को छोड़ करके कल महीने दो महीने पहले देखा था 2000 का नोट, तब से नहीं देखा था, तब से नहीं देखा था, कल जब से खबर आई है तब से हर ग्राहक फोन कर रहा है भाई साहब मेरे पास बड़े नोट है उसी में पेमेंट लीजिए आप। मैंने भैया थोड़ा थोड़ा तो ले सकते हैं, उधारी पड़ेगी? हाँ उधारी पड़ जाएगा, पिछला रिकॉर्ड भाई पिछली उधारी दे रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं बैंक में जमा करेंगे, अपने करेंट अकाउंट में क्या दिक्कत है। कह रहे थे व्यापार नहीं चल रहे हैं? अब व्यापार नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा है, लेकिन पैसा तो आएगा ही भाई साहब, हमारा जो बाहर फंसा हुआ उसमें से लौट के तो आएगा ही कभी ना कभी, तो ऐसा थोड़े कि बिल्कुल मारा जाएगा। तो आपको अधिकता हो गई है 2000 के नोट में पेमेंट ज्यादा आ रहा होगा? अभी ऐसा कुछ नहीं कह सकते, आज पहला दिन है, अब आगे क्या रहता है उसके बाद पता चलेगा। 2000 का नोट देखा आपने? 2000 का नोट दिखा दो, आप नहीं देखा है? देखा तो है भैया। आज आए आपके पास? व्यापारी नहीं है बरान गली में इस टाइम पे। अच्छा? बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है। सन्नाटा पड़ा है, तो पीछे लोग कह रहे थे बहुत बढ़िया व्यापार चल रहा है, तेजी है? पीछे वालों को होगा, हो सकता है, मेरे पास तो कोई कस्टमर नहीं है अभी 8-10-15 दिन तक, कोई व्यापार नाम की चीज ही नहीं है। अच्छा, तो ये जो 2000 का नोट चला गया इससे लाभ होगा? कोई फर्क नहीं पड़ना, नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ना इसी तरह का, मेरी समझ में तो कोई फर्क नहीं आना है, क्या फर्क पड़ना है? अरे 500 का लेन देन में आएगा, चलन में आएगा, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। हाँ तो होनी चाहिए भाई, जो ब्लैक मनी लोगों के घरों में और जो अननेसेसरी लोगों ने अपने घर में जमा कर रखी है वो कम होगी और अच्छा रहेगा बंद हो तो। मेरा मानना तो ये 500 का भी बंद कर दो, 500 का भी बंद कर दो, बंद कर दो, 100 का नोट चलने दो और नेट बैंकिंग होने दो, सबसे बेटर तो यही है, सबसे बेटर यही है। तो ऑनलाइन पैसा जो है वो ज़्यादा बढ़िया है, सुरक्षित है? सब सुरक्षित है, बढ़िया है, क्या परेशानी है? 500 का भी बंद कर दो, व्यापार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, बढ़ेगा भी नहीं व्यापार, घटेगा भी नहीं? वो बात तो वैसे भी कुछ नहीं है अभी तो। अच्छा, नहीं तो जो लोग नोट दबे हुए हैं वो निकल के आएंगे ना बाहर? नहीं तो उससे कुछ नहीं होगा, नोटबंदी उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा था हम लोगों को, वो तो कह रहे थे बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फायदा होगा, ब्लैक मनी पूरा काला धन वापस आ जाएगा। पहले भी यही हुआ था 2016 में, तब उससे भी व्यापार कुछ नहीं बढ़ा और घटा ही व्यापार जब से। अच्छा,
व्यापार बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, ब्लैक मनी आ रही है, उससे व्यापार घट रहा है, पैसा जब सब बैंक में दब जाता है। देश तरक्की कर रहा है 7 साल में, बहुत तरक्की कर रही है। देश तरक्की कर रहा है, बहुत तरक्की नहीं कर रहा है। अच्छा, तो बिना व्यापार के देश कैसे तरक्की कर रहा है? देश तो तरक्की कर रहा है, तो देश में पैसा उसमें ब्लैक मनी आ रही है, दसों से पैसा आ रहा है, सब अपने पास खजाने में जमा हो रहा है, देश में थोड़ी कच हो रहा है। या हम व्यापार वर्ग के लिए कुछ हो रहा हो तो व्यापार तो आप ही देते हैं, पैसा तो आप ही से आ रहा है ना। हाँ, पैसा हम लोगों से जाता है, पर काम थोड़ी हमारे लिए होता है, ऑनलाइन वालों के काम होते हैं, बढ़िया उनके लिए व्यवस्था बनती है। अच्छा, हम लोग तो सब बैठे हुए हैं, महीना वर्ष में हाथ पाथ करे हुए, उसकी तरफ कोई देखता ही नहीं। हम फोटो भी डालते हैं कैच कैच के व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, इस पर कोई ध्यान नहीं है किसी का। क्या डालते हैं? फेसबुक पर फोटो डालते हैं कैच कैच के, गली में कितना सन्नाटा है, शहर का सन्नाटा है। तो क्या करना चाहिए ये सन्नाटा खत्म करने के लिए? इसके लिए तो भैया आप जब बताएंगे। सरकार कोई फिरोजाबाद जनपद के आसपास, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा, टूंडला, कहीं बीच में कोई इंडस्ट्री लगानी चाहिए, जैसे जो बड़े शहरों में लखनऊ है, नोएडा है, वहाँ सब चीज़ देख के रहते हैं। योगी जी आए वो गोरखपुर देख रहे हैं, मोदी जी आए वो बनारस देख रहे हैं, बाकी यहाँ कोई नहीं देख रहा कि इस जनपद में भी कुछ होना चाहिए। ये चारों पाँचों जो जनपद हैं, मैनपुरी, इटावा, आगरा, फिरोजाबाद, ये सब रूरल एरिया के तरीके से, और कुछ नहीं है यहाँ पे। पब्लिक को टैक्स देना पड़ता है, GST भी उन्होंने छोड़ दिया, सेंट्रल और स्टेट दोनों है, कुछ नहीं। जब तक यहाँ गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई इंडस्ट्री नहीं लगाएगी तब तक यहाँ कुछ नहीं होगा, नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा यार। और फिलहाल कोई फर्क भी नहीं पड़ना उस बात से, अगर व्यापारी लेता है देता है तो हम लोग अपना जमा करेंगे बैंक में, सामने वाला नहीं लेगा तब हम लोग नहीं लेंगे। हमसे जो ऊपर है वो अगर प्रॉब्लम लाएगा तो हम रोक लगाएंगे, अन्यथा तो सब ऐसी चलेगा, हम उसके अकाउंट में जमा कराएंगे और हम भी लेंगे। अभी 4 महीने हैं जमा करने के लिए आ रहा, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अभी तो आज पहला दिन है ना, तो आज मार्केट में ग्राहक तो उतरा नहीं है, जिसकी पोजिशन, इसकी पोजिशन पता लगाना फ्राइडे को, जब तक रियल्टी निकल के आएगा कि क्या स्थिति है। अगले फ्राइडे को, हाँ अगले फ्राइडे को हम ये पता लगाएंगे, चाचा जी ने कहा है तो मार्केट ही बताएगा, पूरा मार्केट बताएगा, तो हम फिर आएंगे और अगले फ्राइडे को आपको बताएंगे कि 2000 के नोट का बाजार पर क्या असर है। फिलहाल आपसे विदा लेने का समय हो गया है। अच्छा लगा, आप लोगों ने हमें पसंद किया हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने हमें अपनी अपनी राय दी है, कैसा है, कुछ खट्टे मीठे अनुभवों के साथ लोगों ने बताया कि 2000 के नोट का फर्क बाजार पर क्या पड़ने वाला है, फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।